तो आज हम जो चैलेंज करने जा रहे हैं वो अलीशान के साथ करने जा रहे हैं। ये लार्ज पिज्जा ये खाएगा 10 मिनट के अंदर, तो अभी टाइम हुआ चाहता है अलीशान, अभी टाइम यस करूं यस अभी टाइम शुरू हो गया। तो अलीशान माशाल्लाह से आपने स्पीड बढ़ाएगा, कैसे स्पीड बढ़ाता हमने देखना है कि ये पिज्जा 10 मिनट के अंदर फिनिश करेगा, देखना है कि 10 मिनट के अंदर फिनिश कर पाता कि नहीं कर पाता। बड़ी तेजी के साथ एक पिज्जा निकल गया, लेकिन एक पिज्जा जल्दी जल्दी काट सकता बता, लेकिन दूसरा पिज्जा के ऊपर जोर लगेगा। देखते हैं हम देख रहे हैं, आप भी देखें कि अलीशान अपनी परफॉर्मेंस कैसे देता। इधर थोड़ा सा कैमरा घुमाए, जा साहब ने जो आपने चैलेंज से भागे, नेक्स्ट चैलेंज ये करेंगे। और हमने पूरी इसको भी ऑफर की थी कि आप पे ही कर सकते हैं, 2 पिज्जों का ऑर्डर था लेकिन इसने कैंसिल करवाया और अलीशान ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैं समझता हूँ अलीशान बहुत बहादुर है और अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ रोजी रोटी के ऊपर काम कर रहे हैं। और देखना ये कि अभी वो 1 मिनट नहीं हुआ, अभी तक 1 मिनट भी अभी तक नहीं हुआ, मतलब ये कि 1 मिनट में उसने अगर 2 पीस खाए तो अगले जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीस हैं वो 8 मिनट में, वो 9 मिनट में खा सकता है। अगर वो खा जाता तो वो पेमेंट मैंने कर दी है, अगर नहीं खा पाता तो वो फिर पेमेंट अलीशान को पड़ेगी। तो ये हमने चैलेंज किया था और इस तरह के चैलेंजेस वीडियो हम और भी बनाएंगे और हम मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो चैलेंज लेके आएंगे। अभी तरबूज का चैलेंज है कि तरबूज को काटेंगे बराबर और हैंड इस्तेमाल नहीं करना आपने, बगैर हाथों के उसको खाना है। अब क्या तरीका आप इस्तेमाल करते हैं, हम 2 ऑप्शन रखेंगे। एक तो देसी तरीका के काट के वैसे रखें वो मुश्किल हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि उसको काटें प्लेट के अंदर रखेंगे लेकिन फिर भी हाथ नहीं लगाना, हाथ के बगैर खाना है। वो कैसे खा पाते हैं ये देखते हैं। अब मैं तो थक गया हूँ बोल बोल के भी, क्योंकि 2 मिनट वो हो गए हैं। 2 मिनट में अलीशान ने माशाल्लाह हाफ पिज्जा फिनिश कर लिया है। अगर टाइम की एवरेज देखें तो अलीशान ये चैलेंज पूरा कर जाएगा, मुझे उम्मीद लग रही है। और क्योंकि टाइम को नहीं देखना, हमने देखना है कि अंदर जो है वो खाता कितना फिट होता है अलीशान का, तो कोशिश पूरी कर रहा है। और अब उसको उगला आ रही है क्योंकि आप पिज्जा आधा अभी फिनिश हुआ है। और ये बोटियां जो राइट लेफ्ट फेंक रहा है ये मैं चेक करता हूँ, ये भी इसने खानी है। चलो अच्छा है पिज्जा, अच्छा है। इजाज़ बड़े गौर से ज्यादा ले रहा है पिज्जे का, क्योंकि मैं भी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी तक खा चुका होता लेकिन भाई हमने तो चैलेंज दे दिया है। और मर्जी का फ्लेवर दिया था और 3 मिनट होने को है और एक गुड बोतल यहाँ जो मर्जी करना चाहे करें, हमारा कोई मसला नहीं। आप देखते हैं अभी 3 मिनट हुए, 3 मिनट अभी हुए, यानी कि 7 मिनट पड़े हुए। अगर अली आपने तरीके से खाना चाहे तो आराम से फिनिश कर सकता है कि हमें दुख नहीं होगा। माशाल्लाह जिसकी मेहनत कर रहा है वो मेहनत के साथ वो खा रहा है। हैदर आप क्या कहेंगे? आपने टाइम ज्यादा दे दी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस अभी तक अच्छी जा रही है, संभलें कि ये आधे से ज्यादा पिज्जा तो चला गया, आधे से ज्यादा तो, और आधा टाइम भी नहीं हुआ अभी, और 5 मिनट नहीं हुए अभी, 4 मिनट 3.5 मिनट हुए, लेकिन कोई इशू नहीं। इसमें अगर वो फिनिश करता तो हमारे लिए वेल एंड गुड है कि हमें पता चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम इतिहास से काम लेंगे। अब 2 पीस रह गए और अली मरने वाला हुआ, ये पिज्जा तो कहा जाएगा भाई आज मैं नहीं खाऊंगा, बस सीधी बात है, मैंने याद कर गारंटी दी है कि आप ये पिज्जा फिनिश करें, इलाज मैं नहीं कराऊंगा। आप तो कोई फौदगी भी हो जाए तो अली नहीं तवज्जो करेगा उधर, अली के 2 पीसों के ऊपर तवज्जो है। अच्छा जबरदस्त है, खाएं खाएं। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अब रोक रहा है कौन सा प्रॉब्लम। 4.5 मिनट हो गए, 5.5 मिनट अभी पड़े और 2 पीस पड़े जो कि अभी मेरे ख्याल में 5 मिनट में फिनिश कर सकता था। यार उन साथ के की मसला थे तो अभी तकरीबन 4.5 मिनट हुए, अभी टाइम तो बहुत पड़ा है, पीस भी 2 पड़े हैं, टाइम आपके पास 5 मिनट पड़ा है, 2.5 मिनट में आपने 2 पीस खत्म कर रहे हैं, इनके 2.5 मिनट में आपने 1 पीस खत्म करना है।
जो कि मैक्सिमम टाइम है, ढाई मिनट में आप दोनों पीस भी खत्म कर सकते हैं। अब देखना मुझे उम्मीद नहीं थी ये मोटो पतलू वाला था, हमने तो करा था मोटो पतलू, ये मोटो था ये पतलू था, लेकिन पतलू जो है वो टिका रहा है और मोटू भाग गया है। अब अली के हाथ कांप रहे, शुरू हो गए, अली के हाथ कांप रहे, देखे व्यूअर्स अली के हाथ कांप रहे। अभी अली समझ रहा है कि ये आखिरी जो चार मिनट रह गए, चार मिनट के अंदर मैं क्या कर पाता हूँ, क्योंकि अभी चार मिनट रहते हैं और ये बड़े क्वेश्चन है और इसमें देखना होगा कि अली कितने सदी बढ़ा रहा है। अली ने स्पीड तेज कर दी, कैचअप भी खा गया और मिनट अभी अली के पास है साढ़े चार मिनट में, सात मिनट सही कह रहा था चौधरी, सात मिनट में उसने पहुंचना था और सात मिनट में ये नहीं पहुंच पाता, लेकिन इसने अपनी मर्जी का टाइम लिया 10 मिनट, तो हमने 10 मिनट दे दिया। अगर ये अब शरदार भी जाएगा तो हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये पीस तो सारे डिगार गया, मरने वाला हुआ हुआ है और इसके चार मिनट बाकी है। अब तो रिलैक्स होके भी खा सकता है, खरगोश की तरह रिलैक्स हो ना थोड़ा सा, खा ले आखिरी पीस नहीं नहीं आखिरी पीस नहीं पूरा आखिरी निवाले तक हमें इंतजार करना है। ये जो पीस बोटियां पड़ी ये भी खाएगा, जबरदस्त यार, डंगर निकले हां जी, कोई मसला नहीं, अभी तो रिलैक्स हो जा। अली बड़े गौर से देख रहा है टाइम की तरफ, क्योंकि अभी 3:30 मिनट रह गए हैं और 3:30 मिनट के अंदर इसने चार निवाले अंदर करने। आप बेशक उल्टी आ जाए 10 मिनट बाद, लेकिन कोशिश चली गई पूरी है कि ये 1200-1300 रुपए लगा, 1300 रुपए से जान छूटे। अगर ये नहीं कर पाता 3 मिनट इसके पास, अभी 3.25 मिनट और भी पड़े, जो कि हाथ उसके बहुत कांप रहे हैं, हाथ कांपते हुए हाथों के साथ कमजोर होते हुए दिल के साथ और गले तक आते हुए पिज्जे के साथ अली ने फिनिश कर दिया। और अभी रहता है चार निवाले, जो कि अली के पास मिनट है 3। वैसे 7 मिनट में अली तू कर सकता था, अगर तेरे को 7 मिनट भी मिलता। साढ़े 7 मिनट में अली ने ऑलमोस्ट जो फाइनल कर दिया और 2 मिनट बचेंगे तो ये माशाल्लाह से दिखा जाएगा, जबरदस्त माशाल्लाह, फिनिश करना होगा सारा, क्योंकि ये अब बचेगा। तो व्यूअर्स आपको कैसा लगा हमारा चैलेंज, अली ने विन किया चैलेंज माशाल्लाह से, जिस तरह हमें उम्मीद थी कि अली हमारे लिए 2-4 पीस बचाएगा और 6 पीस पे थक जाएगा। हैदर चौधरी और मुझे कभी उम्मीद थी कि हम ये पीस खाएंगे, लेकिन इजाद ने भी अपनी सीट छोड़ी और कोशिश की कि सराउंडिंग में अगर बैठूंगा बचे हुए पीस, हमारी नजर पहले थी कि ये 4 पीस हमें मिलेंगे, लेकिन माशाल्लाह से इसने विन किया, जबरदस्त अली ने 8 मिनट और बल्कि 8 मिनट में ही फिनिश किया ये आप टाइम, क्या बात है जी, 8 मिनट में अली ने विन किया, तो अली ने बहुत जबरदस्त है। अली क्या क्या ख्याल है आपने ये चैलेंज जो विन किया है माशाल्लाह से, आपने इसी में बताना है कि 10 मिनट की वीडियो बनेगी कि आपने बहुत जबरदस्त चैलेंज लिया और मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये चैलेंज विन कर पाएंगे। अल्लाह का शुक्र है आपने ओके, तो अगली वीडियो मिलते हैं।